नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एंड मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए चैप्टर के साथ, वो चैप्टर है हमारा सहसंबंध कोरिलेशन। इसके बारे में हम जानेंगे कि सहसंबंध क्या है, कोरिलेशन क्या है। इससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम वीडियो आगे बनाते रहें वो आप तक पहुँचता रहे। आइए हम जानते हैं कि सहसंबंध क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है। तो सहसंबंध परिभाषा गिलफोर्ड के अनुसार, सहसंबंध गुणांक एक ऐसी संख्या है जो यह बताती है कि वस्तु या दो चर किस सीमा तक एक दूसरे से संबंधित है तथा एक चर से परिवर्तन करने पर किस सीमा तक दूसरे चर में परिवर्तित होगा। इसे हम सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक सहसंबंध, दूसरा होता है ऋणात्मक सहसंबंध और तीसरा होता है शून्य सहसंबंध। तो हम आज जानते हैं कि धनात्मक सहसंबंध क्या होता है। तो धनात्मक सहसंबंध वह होता है जो एक चर के मान के बढ़ने पर दूसरे चर का मान भी बढ़ता है, तो उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। और ऋणात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं, तो ऋणात्मक सहसंबंध जब एक चर का मान बढ़ने पर दूसरे चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ऋणात्मक सहसंबंध जो होता है वो जब एक चर का मान जब बढ़ता है तो दूसरे चर का मान घटता है, इसे हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। और शून्य सहसंबंध इसे कहते हैं जब एक चर का मान जब बढ़ता है तो दूसरे चर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। आइए शून्य सहसंबंध को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हिंदी विषय में अंक के बढ़ने पर अंग्रेजी विषय के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां दो विधियां होती हैं। पहली विधि होती है कोटि अंतर विधि और दूसरी विधि होती है प्रोजेक्ट मोमेंट विधि। तो हम कोटि अंतर विधि के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कोटि अंतर विधि को सवाल के माध्यम से हम आगे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या है कोटि अंतर विधि से। जो मेरा सवाल दिया हुआ है, क्या है सवाल, कि किसी कक्षा में पांच विद्यार्थियों की गणित व हिंदी के मासिक परीक्षा के प्राप्तांक, ये मेरा जो है वो गणित का और हिंदी के मासिक प्राप्तांक दिया हुआ है। तो इस प्राप्तांक को हम आगे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जैसे दो प्राप्तांक दिया है, एक गणित का एक हिंदी का, तो इसी तरह हम दो श्रेणी बनाएंगे। पहली श्रेणी होगी मेरी R1 और दूसरी श्रेणी होगी मेरी R2। और इस श्रेणियों से मेरा अंतर क्या है, मैं इस श्रेणियों में मुझे क्या करना है, कि जैसे गणित है तो गणित के प्राप्तांक की गणित का R1 श्रेणी होगा, तो इसमें मुझे R1 लिखना कैसे है, गणित में सबसे अधिक अंक किसके हैं, तो 90 है, तो मुझे R1 श्रेणी में पहला नंबर मुझे 90 को देना होगा। इसके बाद दूसरा कितना है 80, तो दूसरा नंबर मुझे 80 को देना है। इसके बाद मुझे 70 को तीसरा नंबर देना होगा और 60 को चौथा नंबर, और 60 के बाद फिर 50 है, इसको पांचवा नंबर देना होगा। ये मेरा R1 श्रेणी तैयार हो गया। और R2 श्रेणी का मुझे जब तैयार जब करना होगा, तो ये मुझे हिंदी के प्राप्तांकों से मुझे तैयार करना होगा। तो इसमें सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी संख्या 90 है, मुझे R2 श्रेणी में 90 को लिखेंगे। उसके बाद 80 को तो दूसरी श्रेणी मतलब दूसरा नंबर मैं इसको दूंगा। उसके बाद 70 को हम तीसरा नंबर देंगे और 60 को चौथा नंबर और 50 को पांचवा नंबर। ये मेरी दो श्रेणियां मुझे तैयार हो गई, R1 और R2। इसके आगे मुझे करना है R1 और R2 डिफरेंस, R1 और R2 का डिफरेंस, जो कि मेरा प्राप्त होता है D। और R1 और R2 का जब डिफरेंस करेंगे तो दो में से एक को जब माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 1, और 4 में से 3 को तो 1। उसके बाद फिर देखिए 3 में से 4 घटाने पे आता है -1, लेकिन यहाँ डिफरेंस है तो मुझे यहाँ माइनस नहीं लगाना है, मुझे लगाना क्या है प्लस। चाहे माइनस में आए तो भी प्लस लगाएंगे और प्लस में आएगा तो भी प्लस लगाएंगे। फिर 5 में से 5 तो ये हो जाएगा 0 और 2 में से फिर एक तो यहाँ हो जाएगा 1। तो मुझे डी जो प्राप्त हुआ है इसके आगे मैं निकालूंगा डी का स्क्वायर। जब डी का स्क्वायर जब निकालेंगे तो इसी डी का हम वर्ग करेंगे, तो एक का वर्ग करेंगे एक आएगा और ये भी एक, एक का फिर वर्ग एक, जीरो का जीरो और एक का वर्ग एक। इसको जब हम यहाँ जब जोड़ेंगे तो सिग्मा डी का स्क्वायर, तो सिग्मा डी का स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो 1, 2, 3 और 4, सिग्मा डी का स्क्वायर मेरा आ गया 4। इसके बाद अब मेरा कोटि अंतर विधि से ज्ञात करने के लिए सहसंबंध इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है रो बराबर 1-6 सिग्मा डी का स्क्वायर अपान
यन पोस्ट में यन का स्क्वायर माइनस वन। इसको मुझे ज्ञात करने के लिए वन माइनस सिक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर का मान है मेरा चार, तो चार रख लेंगे बटा में यन। ये यन मेरा है क्या, तो यन मेरा एक दो तीन चार पाँच, ये मेरा प्राप्तांकों की संख्या है, तो यहाँ हम रख लेंगे पाँच, और फिर पोस्ट में यहाँ हो जाएगा पाँच का स्क्वायर माइनस वन। इसको जब हम साल करेंगे तो वन माइनस चौबीस बटा के पाँच, और ये पाँच का स्क्वायर पच्चीस, और पच्चीस में से एक जाएगा तो चौबीस, डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको चौबीस, और चौबीस से चौबीस हम कैंसिल करते हैं, और ये जो पाँच है तो पाँच यहाँ जाएगा, तो पाँच और एक, पाँच में से एक जाएगा तो चार, तो चार बटा के पाँच। इसको जो हम साल जब करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.8। कोटि अंतर विधि से मेरा आंसर 0.8 आ जाएगा।